शिक्षा जगत की एक महान हस्ती, नेशनल मोटिवेटर, नवोदय क्रांति और राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय इसराना, जिला पानीपत, हरियाणा में कार्यरत कला अध्यापक श्री प्रदीप मलिक जी, जिनका बस नाम ही काफ़ी है, वेलकम टू आवर स्कूल। बहुत ही शानदार तरीके से ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ये तैयार की है आदरणीय प्रदीप मलिक जी ने। और दोस्तों, स्वागत का ये अंदाज भी इस स्कूल में इन्हीं के हाथों से, इनके कलम से तैयार हुआ है। और आगे बढ़ेंगे, एक एक एस्पेक्ट को देखेंगे, किस प्रकार से अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ते इनके ये कदम, अपने विद्यालय को बेहद सुंदर और आकर्षक बनाने के साथ साथ एक टीचिंग एड के रूप में बहुत महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं बच्चों के लिए। आइए इनकी कलम, इनकी लेखनी, इनके ब्रश और इनकी कला का प्रदर्शन देखते हैं। ये जो आप ट्रेन देख रहे हैं, जो ये रेल आप देख रहे हैं, ये किसी स्टेशन पर खड़ी रेल नहीं है, ये है शैक्षणिक रेल, शिक्षा विभाग को समर्पित, सर्व शिक्षा अभियान को समर्पित, जो प्रदीप जी ने अपने विद्यालय में तैयार की है। एक पूरे कैंपस की पूरी वॉल पेंटिंग इन्होंने अपने हाथ से की, और इस बेहतरीन तरीके से की कि उसको देखने वाला हैरान रह जाए, और एक बार देखने मात्र से ही ये एक अच्छी खासी ट्रेन का लुक देती है, जो बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र है। साथ ही साथ इसके प्रत्येक डिब्बे पर, ये आप देख सकते हैं क्लियरली, नीचे गणित के कुछ सूत्र लिखे हुए हैं, रोमन पत्ती, संख्या, गुणनखंड, और ऊपर ये ऋतुएं किस प्रकार से बनती हैं उसका पूरा का पूरा चित्र बनाया गया है, पेंटिंग की गई है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक एस्पेक्ट को इस ट्रेन में, इस शैक्षणिक रेल में कवर किया गया है। पूरे हरियाणा के साथ साथ पूरे देश की स्थिति को यह प्रदर्शित कर रही है। केंद्र शासित प्रदेश, उनकी राजधानी, भारत के विभिन्न राज्य और उनकी राजधानियां आप इसमें देख सकते हैं। तो ये शिक्षा शताब्दी अपने आप में एक बहुत ही शानदार तरीके से, नीचे विभिन्न प्रकार के त्रिभुज और उनके चित्र सहित उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे प्रदीप जी ने चित्रित किया है। और ये कला का इससे बेहतरीन उपयोग शायद ही कहीं हमें देखने को मिले। शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों द्वारा और देश भर के अध्यापकों द्वारा उनके इस कार्य को सराहा गया, इसकी प्रशंसा की गई, और वास्तव में ये काम ही प्रशंसनीय है। केवल पेंट करना एक अलग बात है और केवल टीचिंग एड्स बनाना एक दूसरी बात है, और दोनों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, पेंटिंग और टीचिंग एड्स को एक कॉम्बिनेशन के रूप में बनाना उससे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी टीचर द्वारा ये कार्य किया गया हो अपने स्कूल में, उसके अपने हाथों से, कितनी मेहनत, कितनी समर्पण की भावना उसकी रही होगी अपने इस विद्यालय के प्रति, अपने कार्य क्षेत्र के प्रति। ये आप देख सकते हैं शिक्षा शताब्दी की, इसमें यानी बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा है 20% छूट और साथ में ये करियर ट्री। एक बहुत ही गजब की सोच के साथ इस करियर ट्री का निर्माण किया मलिक जी ने, कि बच्चे जब प्लस टू क्लास पास करते होते हैं या टेंथ के बाद जब स्ट्रीम का चयन करते हैं तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं असमंजस बना रहता है, या वो केवल भ्रमित होकर के कोई विशेष विषय को लेकर के आगे बढ़ते हैं जो सही नहीं है। तो एक बहुत ही ओपन तरीके से, बहुत ही खुले तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से इसमें समझाया गया कि हमारे पास करियर के कौन कौन से ऑप्शन उपलब्ध रहते हैं, जिनके बारे में बच्चे शुरू से ही निर्धारण करके अपने मन में एक फ्रेमवर्क तैयार करके आगे अपने भविष्य को निश्चित कर सकते हैं। और टीचर्स भी इस ग्राफ के माध्यम से, इस चित्र के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनको अपने करियर के बारे में गाइडेंस दे सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये चित्र एक विद्यालय में इन्होंने बनाया। ये ज्यामिति को प्रदर्शित करता है एक चित्र इनका, एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक चित्र के माध्यम से विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों को, शंकु, वृत्त, त्रिभुज, अर्धवृत्त, बेलन, आयत, सबको इसमें समाहित कर दिया। जो ये नीचे का जो पोर्शन होता है दीवार के साथ साथ, जिसमें हम आमतौर पर पहले ब्लैक पेंट किया जाता था और बच्चे उस पर कुछ लिखते रहते थे, इसको भी बहुत ही शानदार तरीके से एक मिनी रेल बना करके उसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियों का ज्ञान जिसे बच्चों को हो जाए, और विभिन्न जैसे गोला, स्फेयर, शंकु, बेलन, ये बहुत ही जरूरी होता है बच्चों के लिए,
और अगर वो प्रतिदिन इसको देखेंगे तो इसके बारे में निश्चित रूप से वो जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और एक रूटीन में उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी इन सारी आकृतियों को देख करके पहचानने की, इनकी विभिन्न अलग अलग जो भुजाएं हैं उनके माप करने की, उनके आयत क्षेत्रफल निकालने की। ये देखिए किस प्रकार से उसी जगह का उपयोग किया है इन्होंने विज्ञान के विभिन्न प्रकार के चित्र बनाने के लिए करके, बहुत ही सुंदर ढंग से, कभी पेड़ पौधों के, तंत्रिका तंत्र का, पत्तियों का, पौधे के भाग, कोशिकाओं का, किस प्रकार से विज्ञान को जीवंत कर दिया। और साइंस भी कितने शानदार तरीके से लिखा गया है, देखिए हम इमेजिन नहीं कर सकते कि एक साइंस वर्ड लिखने में भी उन्होंने पूरी साइंस को समाहित कर दिया। तो एक बेहद शानदार जो कलाकृति है उनके साथ साथ इनके अंदर जो इनके दिमाग में जो सृजन शक्ति है उसका भी यहाँ पर महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हमें देखने को मिलता है कि कितने बेहतर और कितने शानदार तरीके से ये सोचते हैं किसी भी विषय के बारे में, उप विषय के बारे में, और इनकी कला में, दृष्टिकोण में एक अलग ही प्रकार का विचार और एक सामंजस्य हमें हर विषय को लेकर के देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही सुंदर ढंग से नीचे का जो पोर्शन है उसमें पेंटिंग्स की गई हैं और एक एक मैसेज, ये जिस तरह से पेड़ को बचाने के लिए एक मैसेज यहाँ पर दिया गया है, वातावरण को साफ सुथरा रखने का एक मैसेज यहाँ पर दिया गया है। तो कोई भी ऐसी पेंटिंग आपको इनकी नज़र नहीं आएगी कि जिसमें कोई ना कोई संदेश, कोई मैसेज अच्छे से कन्वे ना किया गया हो, जैसे पेड़ों को बचाने के लेकर के ये कितने शानदार तरीके से इन्होंने एक संदेश यहाँ पर दिया है। और एक अध्यापक जब विद्यालय में होता है तो उसे विद्यालय के लिए बहुत कुछ करने का जो जुनून है उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हम प्रदीप मलिक जी में देख सकते हैं। देखिए तीन कलर किस प्रकार से दिखाए हैं, लाल ब्लड डोनेशन के लिए, हरे रंग से पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया है, और नीले रंग से पानी की बचत के लिए प्रेरित किया है। तो कितना कंसेप्चुअल इन्होंने अपनी पेंटिंग्स को बनाया है और कितनी मेहनत ये करते होंगे विद्यालय में हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऊंचाई मापक आप देख सकते हैं जहां बच्चे खड़े होकर के अपनी ऊंचाई को खुद माप सकते हैं, और साथ ही साथ बेटियों को बचाने के लिए संदेश देती है पेंटिंग। अपने आप में एक एक चित्र, एक एक पेंटिंग इनकी दिल से बनाई गई पेंटिंग है जो बहुत कुछ बोलती है, बहुत कुछ कहती है, बहुत संदेश देती है। और कितना समर्पण और लगाव अपने विद्यालय के प्रति, इन संस्कारों के प्रति, इन भावनाओं के प्रति प्रदीप मलिक जी का रहा होगा कि ये इतनी मेहनत और समर्पण से एक एक चित्र में जान डाल देते हैं और अपने विद्यालय में कितनी मेहनत करते हैं। एक बार इनके विद्यालय में जाने का मौका मिला था तो ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जितनी सारी पेंटिंग्स बनी हुई हैं वो सारे की सारे इन्होंने खुद बनाई हैं। ये देखिए बच्चों को प्रोत्साहित भी करते हैं, प्रैक्टिकली उसका उपयोग कराते हैं, सिर्फ इतना नहीं कि बनाई और छोड़ दी, वास्तव में जो उसका उपयोग होना चाहिए वो करते हैं। और इनकी जो लैब आप देखेंगे वो बहुत शानदार बनी हुई है। ये देखिए किस प्रकार से बरामदे में फर्श भी बेहतरीन तरीके का नहीं था लेकिन उसका भी समुचित उपयोग कर लिया, और जिसको हम चांदा कहते हैं, डी कहते हैं, कोण बनाने की एक विधि बच्चों को सिखाने के लिए नीचे फ्लोर पर इन्होंने ये कोण बना दिए जिस पे बच्चे कोण माप सकें, और ये जल चक्र को प्रदर्शित करता बहुत ही शानदार चित्र। हम इनका केवल 1-2% भाग ही कवर कर पाएंगे, आपको बता देना चाहते हैं इनके संपूर्ण कार्य को कवर करना संभव ही नहीं है। दोस्तों आपको बता दें प्रदीप मलिक जी विद्यालय समय के बाद भी और छुट्टियों में भी अपने विद्यालय में ये सारे कार्य करने में लगे रहते हैं, और उसी का परिणाम है कि इनका विद्यालय अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सुंदर और TLM से सुसज्जित विद्यालय बन चुका है। और इस कार्य को यहाँ तक पहुँचाने के लिए इनका समर्पण, इनकी लगन देखते ही बनती है। ये देखिए शिक्षित हरियाणा, समर्थ हरियाणा, एक बहुत बड़ी प्रेरणा के रूप में उभरे हैं आदरणीय प्रदीप मलिक जी हम सब के लिए। आमतौर पर कला अध्यापक को ज़्यादा महत्वपूर्ण पोस्ट नहीं माना जाता है अन्य विषयों की तुलना में, लेकिन यहाँ जो इन्होंने काम किया है उसने इसको सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध कर दिया है बहुत ही शानदार तरीके से। और इसके लिए ये देखिए कितनी शानदार, बेहद सुंदर ये चित्रण यहाँ पर किया गया है, और एक मैसेज देती हुई ये कलम। कोई भी चित्र इनका ऐसा नहीं है जिसमें कोई संदेश नज़र ना आता हो। ये देखिए मंच के नीचे भी कितने बेहतरीन तरीके से उसको आकर्षक कर दिया गया है, उसको बेहतरीन तरीके से सजा दिया गया है,
वहाँ पर चढ़ने वाली सीढ़ियों को लेकर के साइड में जो पोर्शन होता है कितना अपने आप में एक आकर्षण लगता है और बेहद बच्चों के लिए भी संदेश परक भी होता है और देखने में भी सुंदर लगता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी स्पीड के साथ काम कर रहे हैं प्रदीप मलिक जी, और इनकी लैब को मैंने देखा था, जो उन्होंने लैब बना रखी है कला की, वो बहुत शानदार थी। ये देखिए स्वच्छता परिवहन, ये टॉयलेट को कितने अच्छे तरीके से एक बस के रूप में डिज़ाइन कर दिया, पेंट कर दिया, और एक अच्छा संदेश उसके माध्यम से दिया कि इसको हमें स्वच्छ रखना है, साफ रखना है, अच्छा रखना है, हाइजीनिक रखना है। तो बहुत ही अलग कंसेप्चुअल चीज़ें लेकर के आते हैं, और सिर्फ कंसेप्ट नहीं, उसके साथ डेडिकेशन है, एक डिटर्मिनेशन है, अपने काम के प्रति एक समर्पण है। ये देखिए कारक को एक जीप सी या बस, मिनी बस के माध्यम से इन्होंने प्रदर्शित किया, बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर ढंग से समाधान अपनाओ, प्रदूषण भगाओ, हर एक पेंटिंग में संदेश, सच में लाजवाब। और नतमस्तक हैं हम इनके कार्यों के आगे, हम इनको दिल से प्रणाम करते हैं, बधाई देते हैं। एडोप्ट ट्रीज सेव नेचर, पेड़ बचाओ, कितनी बेहतरीन तरीके से इस पेंटिंग को इन्होंने बनाया है, और अपने आप में ही संपूर्ण संदेश दे देती है पर्यावरण के प्रति। ये देखिए संदेश से भरी एक और पेंटिंग, तो अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्य प्रदीप जी ने अपने विद्यालय में किया है। और हम इनके माध्यम से सभी अध्यापकों से, देश के सभी अध्यापकों से निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आपके पास कोई ऐसा हुनर है, ऐसी कला है पेंटिंग की, ड्राइंग की, डिज़ाइन की, उसको आप इस तरीके से यूज कीजिए। ये देखिए मेरी वोट मेरी ताकत, बहुत ही शानदार रंगोली इन्होंने बनाई है, और रंगोली के लिए जाने जाते हैं। आसपास के क्षेत्र में कहीं भी कोई भी बेहतरीन तरह की अगर आप रंगोली देखते हैं तो निश्चित रूप से उसमें प्रदीप मलिक जी का नाम आता है। कितना सुंदर चित्रण किया है, चाहे दाखिला अभियान को लेकर हो, ये हर क्षेत्र में आगे मिलते हैं। घर घर जाकर के विद्यालय के बारे में बताना, प्रचार प्रसार करना, अपने विद्यालय की सुविधाओं के बारे में बताना, और यहाँ तक इन्होंने तो एक प्रचार वाहन बना करके खुद उसको ड्राइव किया और एक एक गली गली में उसको घुमाया। इतना ही नहीं, बतौर मोटिवेशनल स्पीकर भी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज में जाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, एजुकेशन के प्रति सचेत करते हैं। सच में बहुमुखी प्रतिभा के धनी ये शख्सियत नवोदय क्रांति को गाइड कर रहे हैं, नेशनल मोटिवेटर हैं, ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। इनके विद्यालय की उपलब्धियों को एक नज़र में देखते हैं जो इन्होंने यहाँ पर, ये देखिए फ्लैग्स के रूप में लगा रखी हैं, और इस विद्यालय की झलकियाँ जब हम देखते हैं तो निसंदेह रूप से इस विद्यालय द्वारा उपलब्धियों की गणना कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी उपलब्धियाँ इस विद्यालय के द्वारा अर्जित की गई, और कहीं ना कहीं किसी न किसी उपलब्धि में, हर किसी उपलब्धि में कहें, प्रदीप जी का नाम और स्थान मुख्य रूप से रहता है। क्योंकि इस विद्यालय के पूरे स्टाफ को हम बधाई देते हैं, प्राचार्य महोदय और संपूर्ण स्टाफ सदस्य बहुत ही मेहनती हैं, बहुत ही समर्पित हैं। ये हरियाणा के शिक्षा मंत्री और राज्यपाल द्वारा सम्मानित होते हुए, और ये पूरी टीम आप देख सकते हैं, शिक्षा विभाग की डॉक्टर अजय बल्हारा जी और TMC के साथी, तो इस तमाम मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सम्मानित होते हुए, तो इस प्रकार से हर एक मंच पर इनको सम्मान मिला है, इनके कार्यों को सम्मान मिला है, इनके विद्यालय का गौरव बढ़ा। बहुत ही शानदार तरीके से ये अपनी परंपरा को भी आगे बढ़ाते हुए, विवाह के समय जो एक रस्म इसमें अदायगी होती है उसके लिए चित्र बनाया, ये बेहद शानदार चित्र। और इनके बच्चों की कलाकृतियाँ आप देखिएगा, इतनी सुंदर और इतनी शानदार तरीके से इनके बच्चे भी इसी प्रकार की ड्राइंग्स और पेंटिंग्स बनाते हैं इनके मार्गदर्शन में। ये देखिए मिसाइल इन्होंने तैयार की बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने विद्यालय के अंदर। नवोदय क्रांति परिवार का जो राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ था उसमें इनका योगदान सबसे ज़्यादा रहा। जो रंगोली वहाँ पर आकर्षण का केंद्र रही, लोगों जो नवोदय क्रांति का बना था, जिसके फोटो पूरे देश के समस्त अखबारों में रहे और लोगों ने अपने DP पर बहुत ज़्यादा संख्या में उसको लगाया। ये देखिए ये बहुत ही शानदार जो ये रंगोली थी, ये लोगो था नवोदय क्रांति का, ये प्रदीप मलिक जी ने और इनके साथ सहयोगी रूप में ज्योति चोपड़ा जी ने मिल करके तैयार किया था। सच में इन्होंने इसको रात को 3 बजे तक इसको बनाया, 3:30 बजे तक इस पर लगे रहे, और ये जुनून इनका कार्य के प्रति तब हमने देखा। निश्चित रूप से इनसे प्रेरणा लेकर के, इनसे सीख करके हम लोग जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, और ये हम सब के लिए, पूरे नवोदय क्रांति परिवार के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, नेशनल लेवल पर हमें मार्गदर्शन देते हैं।
ऐसी महान शख्सियत को, ऐसे बेहतरीन अध्यापक को दिल से नमन करते हैं पूरे नवोदय ग्रंथ परिवार की ओर से, और इनसे मार्गदर्शन और सहयोग की अपेक्षा करते हुए बहुत बहुत बधाई। प्रदीप मलिक जी, आप हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं।